है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि देख सकते हैं, जो कार है फोर्ड की इको स्पोर्ट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, समटाइम जो ये बैटरी की लाइट है वो आ रही है और चेक इंजन लाइट आ रहा है इसके अंदर। तो इसका अल्टरनेटर वगैरह बना दिया हम लोग ने, जो इसका अल्टरनेटर है कटआउट खराब था उसका, वो रिप्लेस कर दिए और चेक इंजन लाइट आ रही है, बैटरी पूरी डेड हो गई थी। तो एक बार इसको स्कैनिंग करते देखते क्या फॉल्ट कोड इसके अंदर दिखा रहा है। और इसका जो कनेक्टर है यहाँ पे लगता है, देख सकते हो इसका लोकेशन है कनेक्टर का, ये बंद रहता है उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर लगता है। तो इसको स्कैनिंग करते देखते क्या फॉल्ट कोड इसमें दिखा रहा है। अपने को लोकल डायग्नोस्टिक क्लिक करना है, उसके बाद अमेरिकन में चूज़ करना है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो क्रैक वर्जन अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें 3-4 आता है, फोर्ड ऑस्ट्रेलिया ये सब। तो आप फोर्ड में पहले यहाँ पे क्लिक करना है अपने को फोर्ड, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। और बहुत बार होता है, हर गाड़ी का थोड़ा डिफरेंट रहता है स्कैनिंग करने का, थोड़ा अलग तरीका, मतलब किसी में एक बार में ही फॉल्ट कोड मिल जाता है, किसी में इसके अंदर जाओ ऑफिस में जाओ ऑफिस में जाओ ऐसा रहता है। ऑटोमेटिक सर्च पे क्लिक करना है। सब गाड़ी का थोड़ा इग्निशन स्विच ऑन है कि नहीं वो बोल रहा है, इग्निशन स्विच ऑन रखना है। कुछ गाड़ियाँ जैसे सवरलेट वगैरह की थोड़ा अंदर डीप में जाना पड़ता है स्कैनिंग करने के लिए, और कुछ गाड़ियाँ जैसे मारुति वगैरह वो जल्दी हो जाती है, इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं पड़ता है। तो देख लेते इसमें क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा पहले स्कैनिंग करके। इसके बाद यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, आप हेल्थ रिपोर्ट चेक कर सकते हो। और सिस्टम स्कैन करते हो गाड़ी में क्या, सिस्टम सिलेक्शन का ऑप्शन चूज कर सकते हो, स्पेशल फंक्शन में क्या है, मॉड्यूल प्रोग्राम, व्हीकल इन्फॉर्मेशन मतलब गाड़ी क्या है उसकी डिटेल देख सकते हो। तो अपने को हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर हेल्थ रिपोर्ट अगर हम लोग चेक करते हैं तो जो भी इसका हेडलाइट से लेकर टेल लैंप तक या जो भी मॉड्यूल्स इसके अंदर है पूरा रीड कर लेता है, क्या फॉल्ट है पूरा चेक कर लेता है। तो हेल्थ रिपोर्ट चेक करते देखते क्या क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। अगर आप हेल्थ रिपोर्ट चेक करते हो तो पूरा डिटेल मिल जाता है, जैसे ECM, BCM, EPS, ट्रांसमिशन या जो भी मॉड्यूल लगे हुए TCM, BCM जितने भी मॉड्यूल्स है AC वगैरह के सब कुछ चेक कर लेता है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर BCM में दिखा रहा है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर फाइंड फॉल्ट कोड, दो फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर ऑलरेडी, अभी पूरा स्कैन हुआ नहीं हो रहा है ये। इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर कंट्रोल मॉड्यूल में फॉल्ट दिखा रहा, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल में 12 फॉल्ट दिखा रहे। तो जो भी फॉल्ट दिखाता है पहले उसकी फोटो ले लेना चाहिए, उसके बाद फिर फॉल्ट क्लियर करना चाहिए। सम टाइम होता है कि हम लोग जैसा कि इसके अंदर देख सकते हैं फ्रंट लेफ्ट इंडिकेटर का दिखा रहा, बैटरी वोल्टेज लो दिखा रहा, ऑल्टरनेटर इसका काम नहीं कर रहा था, इसके लिए सब फॉल्ट आ रहेगा ज़्यादातर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह। तो इसको एक बार फॉल्ट क्लियर करते और इससे पहले इसका फोटो ले लेंगे ताकि अच्छा रहता है। कभी कभी बाद में हम लोग एक बार जब फॉल्ट क्लियर करते तो बाद में फॉल्ट आता नहीं है, ढूंढना पड़ता है, ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट करो फिर रनिंग करो फिर उसके बाद बहुत बार फॉल्ट आता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है क्लियर DTC, इस पर क्लिक करना है। देख सकते हो क्लियर DTC यस, देखते क्या क्या फॉल्ट क्लियर हो रहा है और क्या क्या बाकी रह रहा है इसके अंदर। ठीक है, सारे फॉल्ट क्लियर हो गए, सिर्फ इसके अंदर स्टार्टर रिले ए सर्किट लो बता रहा है इसके अंदर, बाकी सब कुछ फॉल्ट क्लियर हो गया, एक ही फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर ये वाला जो है। गाड़ी स्टार्ट करते देखते चेक इंजन लाइट गया कि नहीं इसका, तो देख सकते हो चेक इंजन लाइट जो चला गया इसका। ठीक है, जो चेक इंजन लाइट है वो गया और बैटरी लाइट भी नहीं आ रही इसके अंदर, वो ऑल्टरनेटर का इशू था। तो ऑल्टरनेटर तो जैसा मैंने बताया ऑल्टरनेटर का प्रॉब्लम था, ठीक है, इसके लिए वो बैटरी लाइट आ रही थी इसके अंदर, तो ऑल्टरनेटर हम लोग ने बना लिया था। और चेक इंजन लाइट इसकी चली गई है, बैटरी लाइट भी नहीं आ रही इसके अंदर, थोड़ा कैमरे में ऐसा ब्लिंक करते रहता है मतलब दिखता है इसकी वजह से। और इसमें जो फॉल्ट दिखा रहा है अभी इसी बैक ही फॉल्ट दिखा रहा है, स्टार्टर रिले का बता रहा है, और शायद बैटरी डाउन था तो किसी ने डायरेक्ट वायरेक्ट ट्राई किया था, फिर भी देख लेते एक बार इसको वापस। राजू वो साइड है भाई, रीड फॉल्ट कोड,
तो अभी जैसा कि मैंने वापस से स्कैन किया, देख सकते हो इसके अंदर जो दिखा रहे हैं अभी लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर कंट्रोल मॉड्यूल, यानी इसका जो अल्टरनेटर है उसका इश्यू दिखा रहा है अभी भी इसके अंदर, ठीक है, देख सकते हो। जनरल टेम्परेचर सेंसर का दिखा रहा है और पावर स्टेयरिंग दिखा रहा है इसके अंदर, और लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर का दिखा रहा है इसके अंदर, स्टार्टर रिले का दिखा रहा है। वापस से एक बार देखता हूँ क्लियर करके। यस, तो इसके अंदर जो फॉल्ट अभी आ रहा है, हम लोग ने इसका डायनमो अल्टरनेटर जो है कटआउट चेंज किया है, बट कटआउट डाल के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी फॉल्ट लिख के आ रहा है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर जो है इसका कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है, यानी इसका जो अल्टरनेटर है उसका फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर, देख सकते हो अभी भी। और इसको हम लोग जाके देख लेते हैं कि इसका अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको यहाँ पे बैक कर लेते हैं और रीड डाटा स्ट्रीम पे क्लिक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कटआउट डाल के हो जाता है, सम टाइम नहीं होता, कभी कभी कटआउट जो है सेम मैच नहीं करता है या ऐसे सब इश्यू आते हैं। तो इसका अपने को चेक करना है, अनसेलेक्ट, एक सेकंड, इसमें चेक करना है अल्टरनेटर, एक्सीलेटर पैडल। तो अपने को इसमें क्लिक करना है, इसमें अल्टरनेटर किसी किसी में रहता है, किसी में जनरेटर रहता है, जैसे कि क्लिक, ठीक है, जनरेटर वोल्टेज, और क्या है इसके अंदर, की पावर वोल्टेज, इसको देख लेते पहले, उसके बाद ओके पे क्लिक करते। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका जो बैटरी है चार्ज नहीं कर रहा है, 10.56 आ रहा है, लाइट जो इसकी वापस आ गई, लाइट चली गई थी, चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रही, बस बैटरी लाइट जो शो कर रहा है, देख सकते हो वापस से आ गई, यानी जो कटआउट है इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो समटाइम ऐसा होता है कटआउट वगैरह डालने के बाद मैच नहीं होता कभी कभी, या हो सकता है इसका जो रोटर है वो भी शॉर्ट रहेगा तो कटआउट वगैरह भी दिया रहेगा, ठीक है। गाड़ी बंद आई थी तो इसलिए हम लोग ने इसका कटआउट डाला, बट इसमें फॉल्ट दिखा रहा है, यानी इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटर खोल के उसका कटआउट डालना पड़ेगा, वो फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर। तो इसमें इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि मतलब ये गाड़ी कैसे स्कैन करते, किस में जाके करते, फोर्ड इको स्पॉट जो गाड़ी है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।